हेलो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज का ये पार्ट 26 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिव्यू टैब। पिछली वीडियो में हम डेटा टैब के सारे ऑप्शन कवर कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में रिव्यू टैब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो रिव्यू टैब में सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग अगर आप एमएस वर्ड पीछे से पढ़ करके आ चुके हैं तो आपको स्पेलिंग के बारे में पता होगा। स्पेलिंग ऑप्शन से मीनिंग चेक की जाती है। अगर आपको कोई डाउट है कि ये मीनिंग गलत हो सकती है या आपको लग रहा है गलत है और सही मीनिंग नहीं पता, तो आप सिंपली उस मीनिंग पे क्लिक करके और स्पेलिंग में जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर वो मीनिंग गलत होगी तो सजेशन में यहाँ पर उससे रिलेटेड सही मीनिंग दिखाई देंगी। तो ये गलत मीनिंग है हमारी और सजेशन में यहाँ पर नीचे उससे रिलेटेड मीनिंग दिखाई दे रही है। तो इसमें से आपको जो सही लगे या जो लेनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक करके और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए सही मीनिंग जो है एप्लीकेशन की सही हो चुकी है और बाकी ये नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिक आ गया है। और उसके बाद इसी तरह से अगर ये मीनिंग सही करनी है तो इस पर आप क्लिक कीजिए, स्पेलिंग पे क्लिक कीजिए और एट्रीब्यूट सही मीनिंग चेंज और क्लोज, तो ये भी मीनिंग आपकी सही हो गई। इसी तरह से हम कोई भी मीनिंग सही कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी मीनिंग सही है यानी कि ओके है ग्रामर के हिसाब से, तो अगर आप उस पर क्लिक करके और फिर स्पेलिंग में जाते हैं तो यहाँ पर वो नहीं देगा, नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिक चला जाएगा जैसे ये अभी है आपने देखा। तो इस तरह से स्पेलिंग हो गया। अगला ऑप्शन है रिसर्च। तो रिसर्च भी स्पेलिंग से ही रिलेटेड है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सब मीनिंग लैंग्वेज से ही रिलेटेड है फिलहाल। तो रिसर्च में क्या होता है कि आप किसी मीनिंग को सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड आपको मिल जाएंगे। एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करता हूँ और गो करता हूँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। और इसी तरह से अगर गुड लिखता हूँ तो गुड उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी, हाई क्वालिटी गुड क्वालिटी वगैरह वगैरह। तो आई थिंक रिसर्च समझ में आ गया होगा। उसके बाद है थ्रेशर। तो ये भी कुछ वैसा ही है रिसर्च के जैसा ही, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी रिसर्च के जैसा ही मतलब सर्च करके देता है, कुछ खास डिफरेंस अभी नहीं लगता है। और जो ट्रांसलेटर है ये भी कुछ वैसा ही वर्क करता है, बट ये ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर देता है किसी भी मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, बट ये तभी काम करेगा जब आप ऑनलाइन होंगे। तो सिंपली आप ऊपर सेलेक्ट कीजिए लैंग्वेज और किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, और ऊपर यहाँ पे मीनिंग डालने के बाद जब गो करेंगे तो आपका जो मीनिंग होगी वो ट्रांसलेट दूसरी लैंग्वेज में हो जाएगी। आप यहाँ पर जो लैंग्वेज आपने सेट की होगी, हो शायद इसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं है, हिंदी का ऑप्शन इसमें नहीं है, हिंदी में नहीं ट्रांसलेट होगी, अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो जाएगी वो भी ऑनलाइन। तो ये ऑप्शन हो गए, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो स्पेलिंग ही है। अगला है कमेंट। तो कमेंट पता होगा जैसा कि हम किसी भी सेल पे कमेंट दे सकते हैं, तो कहीं भी अगर आपको कमेंट देने की ज़रूरत है, जैसे ADCA का जो फुल फॉर्म है अगर हम इस पे कमेंट देना चाहें तो सिंपली न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बॉक्स एक ओपन हो जाएगा और इसमें हम डाल सकते हैं ADCA मीन्स एडवांस, या डाल सकते हैं ADCA मीन्स ADCA एक सेकेंड ADCA इज अ कंप्यूटर कोर्स इस तरह से। तो ये जब जैसे ही कमेंट आप सेट कर देंगे तो माउस ले जाने पर ये कमेंट ऑटोमेटिक हाईलाइट होगी और बाहर हटाने पे ये अनहाइड हो जाएगी। अगर कंटिन्यू आपको शो करानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे शो ऑल कमेंट पे टिक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं भी क्लिक करें वो कमेंट ऑटोमेटिक शो रहेगी, मतलब हटेगी नहीं होगा। और अगर आप इसको टिक हटा देते हैं तो माउस को हॉवर करने पर मीन्स कि उस पर ले जाने पर कमेंट आपकी शो होगी और हटाने पर हट जाएगी। तो शो ऑल कमेंट और न्यू कमेंट ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर आप कमेंट को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के लिए इसमें जैसे ही आपने क्लिक किया और अगर कहीं दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो ये न्यू कमेंट होता है क्योंकि यहाँ पे कोई कमेंट नहीं सेट है, बट अगर ऑलरेडी कमेंट सेट है तो ये ऑटोमेटिक एडिट कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप सिंपली इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद
डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, और कई सारी कमेंट अगर लगी होंगी तो हम नेक्स्ट और प्रीवियस जा सकते हैं। नेक्स्ट यानी अगले कमेंट पे पहुंच जाएंगे, प्रीवियस यानी अगर आगे है तो पिछले कमेंट पे आ जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो डिलीट कमेंट से हम डिलीट कर देते हैं, तो ये कमेंट देखिए यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो अगला ऑप्शन है प्रोटेक्शन, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई जगह इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्शन, तो इसको अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट, यानी कि अगर आप सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सीट क्या होती है, तो सीट वन, सीट टू, सीट थ्री है, इसके बारे में हमें पता है। तो अभी हम कौन से सीट पे हैं, सीट वन पे। तो अगर आप पूरी सीट वन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि हमारी सीट वन पे कोई काम ना कर पाए, यानी कि इस पे कोई टाइपिंग, एडिटिंग, चेंजिंग्स वगैरह कुछ भी ना कर पाए, तो उसके लिए सीट वन को हम यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, अगर हम फाइल को सेव करते समय अगर यहाँ से पासवर्ड डाल दें जनरल ऑप्शन में जाने के बाद, तो वहाँ से भी फाइल प्रोटेक्ट हो जाती है। बट उससे क्या होगा कि पूरी फाइल यानी पूरी वर्कबुक जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, यानी ना ही कोई सीट वन या सीट टू या सीट थ्री पे किसी भी सीट पे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सीट टू और थ्री बाकी की जो सीटें हैं उस पर हर कोई काम कर सके, सीट वन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप अगर, तो सिंपली आप प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे। और प्रोटेक्ट सीट में जाने के बाद यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर दीजिए। सिंपली मैंने यहाँ पे 55 डाल दिया और ओके किया, पासवर्ड को रिपीट किया और ओके कर दिया। तो सिंपली हमने प्रोटेक्ट सीट से इस सीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब इसमें कहीं भी आप अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सीट वन जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है, बट सीट टू पे हम काम कर सकते हैं आसानी से। तो सीट टू पे देखिए काम हो रहा है, तो ये प्रोटेक्ट हो गया आपका। अगर वापस से अनप्रोटेक्ट करना हो तो सिंपली आप अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे वही 55 ओके, तो ये आपका जो है अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अब आप कहीं भी आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक से क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सीट जो है न्यू सीट इंसर्ट ना कर पाए, थ्री है थ्री ही रहे, और ना ही कोई सीट डिलीट कर पाए, ना ही रिनेम कर पाए, मतलब सीट यानी कि पूरी वर्कबुक को आप इस तरह से लॉक करना चाहते हैं कि सीट के अंदर जो है वो कोई भी काम कर सके, बट सीट में कोई चेंजेस ना, यानी स्ट्रक्चर मीन्स कि ना कोई सीट एक्स्ट्रा कर पाए, ना ही कोई सीट डिलीट कर पाए, रिनेम भी ना कर पाए, तो उसके लिए आप सिंपल दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक का। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको पासवर्ड डालना होगा, जैसे मैंने डाल दिया 44 ओके 44 ओके। तो इसमें भी पासवर्ड पड़ चुका है, तो यहाँ पे हम सीट के अंदर तो वर्क कर सकते हैं, बट अगर सोचें इसको रिनेम करना तो देखिए रिनेम नहीं हो रहा। रिनेम करने के लिए डबल क्लिक करते हैं, रिनेम हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा। राइट क्लिक करके डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो डिलीट, इंसर्ट, रिनेम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ से सीट इंसर्ट की जाती है तो यहाँ से भी सीट को इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, बट सीट के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक। अनप्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली क्लिक करना है और आपको पासवर्ड डाल देना है 44 ओके, तो ये आपकी जो है अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अभी देखिए सीट 4 आ चुकी है, अभी ये इंसर्ट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा, ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए। अगला ऑप्शन है शेयर वर्कबुक। तो शेयर वर्कबुक ये ऑप्शन जो है ये इंटरनेट कनेक्ट होने पर काम करेगा, और इसका वर्क ये होता है कि अगर आप चाहते हैं ये हमारी सीट है और रियल टाइम में यानी कि एक समय में ही इस सीट पर कई यूजर को आप काम करने मतलब काम करवाना चाहते हैं, यानी मान लीजिए कि अलग अलग कम 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि पांचों व्यक्ति एक साथ इसमें डेटा एंटर कर सकें अपने अपने यहाँ से, तो उसके लिए हम इस अपनी फाइल को यानी कि इस वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो शेयर करना ये हम किसी सेपरेट वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन नेट की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि हम बता सकते हैं नेट हमारे पास अवेलेबल है, बट जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए शेयर वर्कबुक को हम किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तो शेयर वर्कबुक से आप इतना समझ लीजिए कि आप हम इस वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं और एक समय में कई लोग इस पर काम कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट एंड शेयर बुक। तो ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये हम तभी देखेंगे, और ये अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज और ट्रैक चेंज, ये दो ऑप्शन हम अभी कवर करेंगे। तो इसमें अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज, इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे हम पता है कि अगर इस सीट को हम प्रोटेक्ट कर दें प्रोटेक्ट सीट में जाने के बाद, तो क्या होगा कि इस सीट पर कोई भी कहीं पर भी वर्क नहीं कर पाएगा, बट हम चाहते हैं कि
जो भी है वो अपना बैच टाइम चेंज कर सके। स्टूडेंट अगर अपने बैच टाइम चेंज कर सकें और बाकी के और कोई चेंजेस ना कर पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ रेंज जो है, यानी कुछ यानी ये वाली रेंज यूज़र के लिए छोड़ सकते हैं ताकि वो इस एडिट कर सके, यानी अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज, तो इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए जो रेंज हमें छोड़नी है यानी कि एडिट कर सके यूज़र, उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज में जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद सिंपल आपको यहाँ से न्यू करना है और इसका आप कोई नेम दे सकते हैं इस रेंज का, तो जैसे मैंने बैच टाइम दे दिया, बैच टाइम BT, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, जैसे मैंने 44 सेट कर दिया और इसे सिंपल ओके कर दिया और रिपीट कर दिया 44 और ओके कर दिया। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो बैच टाइम है वो यूज़र चेंज तो कर सके, बट उसके लिए भी पासवर्ड लगेगा अलग से। तो ये BT पर हमने 44 पासवर्ड सेट कर दिया है और इसे वही एडिट कर पाएगा जो पासवर्ड, जिसको पासवर्ड पता होगा। और फिर ये हम करने के बाद, यानी कि अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज इसमें न्यू करने के बाद BT नाम से हमने बना दिया एक रेंज, और अगर कोई दूसरी रेंज और बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप न्यू में चले जाइए फिर से और इसका नाम चेंज कर दीजिए, मतलब जो भी आप रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर जो है ये कोई भी चेंज कर सके और इसके लिए पासवर्ड मतलब ना मांगे, तो इसका PN नाम से भी बना देते हैं और पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी पासवर्ड नहीं सेट करते हैं और सिंपल इसे ओके कर देते हैं। तो अभी दो रेंज आ गई, BT पर पासवर्ड सेट है और PN पर पासवर्ड नहीं सेट है। तो इसके लिए हमने सिंपल क्या किया है, पहले रेंज को सेलेक्ट किया है और फिर उसके बाद अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज पे गए और न्यू बना ली। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमको लग रहा है कि BT वाला तो सही है क्योंकि रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी थी, बट PN वाला थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको एडिट कर देते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है इसको हटाने के बाद फ़ोन नंबर का कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और अब हम इसको ओके करते हैं। तो अब ये सही है और फिर उसके बाद यहाँ से इसको प्रोटेक्ट सीट करते हैं। तो प्रोटेक्ट सीट करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक प्रोटेक्ट सीट नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा, तो प्रोटेक्ट सीट यहाँ से लगा देंगे और फिर इस पर हम पासवर्ड सेट कर देंगे। तो 11 ओके, 11 ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब कहीं भी अगर हम टाइपिंग करेंगे या कहीं भी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर बैच टाइम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये पासवर्ड पूछेगा। तो अगर पासवर्ड हम डाल देते हैं तो बैच टाइम भी चेंज कर सकते हैं, बट अगर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना हो तो हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं बिना पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आराम से चेंज हो रहे हैं, और अगर बैच टाइम चेंज करना है तो उसके लिए हमें पासवर्ड देना होगा। तो पासवर्ड हमने यहाँ पे 44 सेट किया था, तो 44 पासवर्ड देने के बाद अब हम बैच टाइम कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज ऑप्शन शो नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रोटेक्ट है सीट। अब वापस से इसे हम अनप्रोटेक्ट करते हैं। अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड था 11 ओके, तो ये अभी अनप्रोटेक्ट हो चुका है। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आपके। अगला है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डेटा तैयार किया और हमें ये डेटा किसी दूसरे को दिखाना है, यानी कि उससे चेक करवाना है। तो अगर वो डेटा चेक करेगा और उसको कोई फॉल्ट इसमें दिखाई देगी तो वो क्या सही करने की कोशिश तो करेगा ही। तो हम चाहते हैं कि जब भी इसमें वो कोई चेंजेस करे, यानी इसको जो देखे और अगर कोई चेंजेस करता है तो हमें पता चले कि उसने कहाँ कहाँ पे चेंजेस किए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ही ट्रैक चेंज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑन कर देंगे। तो उसके लिए सिंपली डेटा को सेलेक्ट करना है और ट्रैक चेंज में जाने के बाद हाईलाइट चेंजेस कर देने। तो हाईलाइट चेंजेस करने करके और यहाँ पर ट्रैक चेंज पे टिक कर देंगे और इसे सिंपली ओके कर देंगे और ओके। तो अब इससे क्या होगा कि अगर कहीं पर भी कोई भी चेंजेस किए जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाएगी, मतलब ये साइन इस तरीके का आ जाएगा कि यहाँ पे चेंज किया गया है। अगर सीतापुर की जगह यहाँ कुछ और टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर भी एक तरीके का बॉक्स बन चुका है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस अगर कहीं भी कोई करता है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है, जब आप वापस से फिर देखेंगे तो आप हो सकता है कि जो चेंजेस किए हैं वो सही हों, यानी कि आपको एक्सेप्ट कर लेने चाहिए या रिजेक्ट करने चाहिए। तो आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। ट्रैक चेंज में जाएंगे और यहाँ एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट में जाने के बाद इसे ओके करेंगे
और यहाँ पर फिर से आपको एक बार ओके करना है और ये ऑप्शन आ जाएगा आपका एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। अगर आप एक्सेप्ट ऑल करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, रिजेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, और अगर आप एक एक करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये रिजेक्ट करना है, ये नहीं चाहिए तो रिजेक्ट कर दिया, ये भी रिजेक्ट करना है तो ये भी मैंने रिजेक्ट कर दिया, बट ये सही है, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लिया। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ट्रैक चेंज ऑप्शन का इस्तेमाल करना आपको पता चल गया है कि ट्रैक चेंज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऑफ करने के लिए सिंपल आपको ट्रैक चेंज में जाना है, हाईलाइट चेंजेस में जाने हैं और यहाँ से टिक को हटा देना है और सिंपल ओके कर देना है और इसे यस। तो इससे क्या होगा कि आपके जो ट्रैक चेंज थे यानी हाईलाइट जो हमने ऑन किया था वो ऑफ हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा अलाउ यूजर टू एडिट रेंज और ट्रैक चेंज, प्रोटेक्ट और न्यू कमेंट और स्पेलिंग, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे, बाकी तो हमने सारे ऑप्शन कवर ही किए हैं और शेयर वर्कबुक को हम किसी सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम एक्सेल का लास्ट टैब देखेंगे जो कि व्यू टैब बचा हुआ है, इसको हम अगली वीडियो में भी कवर कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।